गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 7। आप लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, यूजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू कीप अस हेल्दी। मीन्स हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ जब वर्क करते हैं तो हम लोग क्या हेल्दी बने रहते हैं। अगर वो एक साथ कोई किसी एक का भी पार्ट का अगर वर्क क्या हुआ, डाउन हो जाता है, मतलब अगर एक भी पार्ट हमारा वर्क नहीं कर पाता है तो हम लोग अनहेल्दी हो जाते हैं। मींस हेल्थ हमारी गिर जाती है या हमें कोई बीमारी हो जाती है। सो जब ये एक साथ वर्क करते हैं तो हम लोग हेल्दी बने रहते हैं। वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू डिफरेंट थिंग्स। हम लोग के पास क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनकी जो वर्क होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज हैंड। हैंड क्या होता है? देखिए, हैंड्स का वर्क क्या होता है? आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट, होल्ड एंड कैरी थिंग्स। हमारा जो हाथ होता है वो हमारी किस में हेल्प करता है? मींस सबसे पहले राइट, मतलब लिखने में। मींस अगर हम लोग लिखते पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप हाथ से ही तो पेंसिल पकड़ के लिखते हो या पेन को पकड़ के हाथ से ही तो लिखते हो, तभी तो आप लिख पाते हो ना। सेकंड नंबर ईट, मींस आप लोग खाना खाते हो तो हाथ से ही उठा के खाना खाते हो, उसमें भी हमारा हाथ क्या होता है, हेल्प करता है। थर्ड नंबर क्या है, होल्ड, मींस किसी चीज़ को होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ना। किसी भी चीज़ को आप पकड़ते हो तो किसके ज़रिए से पकड़ते हो, हाथ के ज़रिए ही पकड़ते हो, तो होल्ड भी किसी चीज़ को हम लोग हाथ से ही करते हैं, तो उसमें भी हमारा हाथ ही हेल्प करता है। और कैरी थिंग्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कोई चीज़ अगर ले जाते हैं तो उसको भी हम लोग हाथ से ही पकड़ के ले जाते हैं। मीन्स अगर किसी चीज़ में रखते हैं या किसी व्हीकल में रख के ले जाते हैं तब भी तो आप हाथ से ही उठा के रखते हो, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, हाथ वर्क करता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ हमारी हेल्प करता है। सेकेंड नंबर क्या है, देखिए लेग्स। लेग्स कैसे वॉक करते हैं? आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप एंड प्ले। हमारे लेग्स हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें भी हमारे हम किसके ज़रिए आप चलते हो, लेग्स के ज़रिए चलते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो, घूमते हो, फिरते हो, सुबह जाते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, तो आप पैर के ज़रिए ही जाते हो। रन मीन्स दौड़ते हो, दौड़ना भी हमारा लेग्स के ज़रिए ही होता है। और जंप करते हो, खेलते हो, जब तो जंप भी करते हो आप लोग, देन तब भी हमारा लेग्स ही वर्क करता है। और जब प्ले करते हो मींस खेलते हो तब भी आप किसके ज़रिए खेलते हो, पैर के ज़रिए ही खेलते हो, पैर और हाथ के ज़रिए। तो इसमें हमारा लेग्स ही हमारा वर्क करता है, हाथ ही हमारा वर्क करता है जब आप लोग खेलते हो। ओके, इस तरह से बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि ईयर्स। ईयर्स किसका काम करते हैं? किसी भी चीज़ को सुनने का काम करते हैं, मींस हियरिंग का काम करते हैं, कि कौन सी आवाज़ कैसी है, तेज है कि धीमी है, कैसी है, हर तरह की आवाज़ को हमारी कान पहचानती है। तो कान ईयर्स का वर्क होता है सुनना। इसी तरह से आइज़ का वर्क क्या होता है, किसी चीज़ को देखना, मतलब आप लोग किसी चीज़ को देखकर महसूस करते हो कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, कि वह क्या है या क्या है, तभी आप लोग आइज़ से पहचान सकते हो देखकर कि वो चीज़ क्या है। तो आइज़ हमारा देखने का काम करती है। इसी तरह नोज़ हमारा क्या करती है, नोज़ स्मेल करने का काम करती है, ये कहाँ से कौन सी स्मेल आ रही है, कहाँ से अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है, उसी से आप पहचान पाते हो। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। नाउ ग्रोइंग अप, देखिए बढ़ना क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मीन्स सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सभी सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, जैसे कि हम लोग भी बढ़ते हैं, बच्चा होता है, बच्चे से बड़े होते हैं, फिर उससे एडल्ट बनते हैं, तो इस तरह से ग्रोइंग चलती रहती है। इसी तरह हमारी लिविंग थिंग्स में पेड़ भी आते हैं, ट्रीज भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, तो सब में हमारा ग्रोइंग चलता है, मतलब ग्रो स्टेज सब में होती है, हर एक चीज़ बढ़ती है धीरे धीरे। अ बेबी ग्रोज इंटू अ बॉय और अ गर्ल। अगर एक बेबी होता है बड़ा होता है तो वह बॉय बनता है या फिर गर्ल बनता है। बेबी गर्ल होगी तो गर्ल बनेगी, और बेबी बॉय छोटा बेबी होगा तो वो
बॉय बनेगा. अ बॉय और गर्ल ग्रोज इंटू अ यंग मैन और यंग वुमैन. अगर बॉय होगा तो बड़ा होके क्या बनेगा, यंग मैन बनेगा. अगर गर्ल होगी तो यंग वुमैन बनेगी. तो ग्रोइंग सब में होती है. अ यंग मैन और वुमैन ग्रोज इंटू अ ओल्ड मैन और एन ओल्ड वुमैन. अगर यंग मैन है तो आगे जाके वो क्या बनेगा, ओल्ड वुमैन, ओल्ड मैन. और यंग वुमैन है तो आगे जाके वो क्या बनेगी, ओल्ड वुमैन. ओके, वी लुक डिफरेंट एट एवरी स्टेज. इसलिए हम लोग हर एक स्टेज देखते हैं. दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज़ योर होमवर्क इज़ राइट एंड लर्न द बॉडी पार्ट्स नेम. आप लोगों को बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं, लर्न करने हैं और मुझे सुनाने हैं वीडियो के ज़रिए. ओके, थैंक यू.